अरे क्या हाल है प्रधान? प्रधान ठीक से गए? प्रधान तेरे बे रहे तेरे भाई की इस वीडियो में लग रही है 6 महीने की मेहनत और एम्स हॉस्पिटल जो कि इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक है, क्योंकि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसकी लग रही है 20 साल की मेहनत। 20 साल की मेहनत प्रधान, पता ना मेरा प्रधान छोटे मोटे न्यूज पेपर और गड़े यूट्यूबर वगैरह कई की मेहनत लग रही प्रधान। यह वीडियो है 1,00,000 रुपया की प्रधान, जो तुमने 5 से 4 मिनट में फ्री की मिल गई। 5 से 4 मिनट में इतने साल की मेहनत, 5 से 4 मिनट में 1,00,000,000 की वीडियो फ्री 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 फ्री। देख प्रधान, अगर तू शादी शुदा है तेरे बालक है फिर तो यह वीडियो है तेरे खातर सोने पर सुहागा। ये तू शादी शुदा नहीं है, समझदार है थोड़ा सा, फिर यह वीडियो है तेरा खातर सोना। ठीक है प्रधान? जे प्रधान तू है बेवकूफ, नकली, निचर, घटिया, महागटिया, महागटिया, फिर प्रधान यह वीडियो तेरा खातर होनी, फिर प्रधान को फायदा होनी। प्रधान बात सुन, तेरे मेरे प्रधान जो बालक है बालक तेरे बालक मेरे थोड़ी ना, मैं तो शादी शुदा थोड़ी नू प्रधान, जो तेरे बालक प्रधान है तेरे बालक प्रधान मेरे रंदे होंगे नू। Play with this. नॉनी। पापा, मम्मी। रोए करो ना प्रधान, फिर तू ना फोन दे दे। ले मेरे बेटे। ओके, here's the phone. फोन दे दिया प्रधान तो नॉनी, फिर वे राजी हो गए। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਚੜੇ ਹੋ ਫੋਨ ਖਾਤਰ ਫੋਨ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ। ਲੈ ਬੇਟਾ ਫੋਨ ਲੈ, ਕੱਚੇ ਕੱਟ ਬਸ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੇਲੇ ਨਾ। ਅਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਫੋਨ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਬੱਚੋਂ ਕੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੈ ਬਸ। ਮਾਂ सीरियल देख रही है, बच्चा आया कि मम्मी मुझे आपके साथ खेलना है, माँ उसको मोबाइल दे देती है, मेरी जान छोड़। जहर प्रधान जहर, हाँ फोन के रूप में जहर दे रहा था उसने। तू तेरे बड़ा का भोड़ा नहीं चाहता प्रधान, तू दुश्मन है, दुश्मन है प्रधान तेरे बड़का का। चलो बीरा प्रधान, फोन की वजह से बालका की आँख खराब होने लग रही है प्रधान, आँख खराब हुए बालक अंधे होने लग रहे। मोबाइल देखने से जरा बच्चे ज्यादा देखते थे मोबाइल, अब मत देखोगे। 15 मिनट अब क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला इसने जो गेम है ना, वो गेम के साथ ऐसे देखता है। जो पता सोच के देख, रात में तेरा बालक सो गया, सवेरा उठा अल्टर को कहवा है पापा पापा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता समझे बच्चे ने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्टार से बताया है कि कैसे अंधेरे में स्मार्टफोन चलाने पर 30 साल की एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर के तू तेरे दिल को पर के बीतेगी प्रधान, तू उसने कितने का जाऊंगा प्रधान, सोच प्रधान सोच, प्रधान सोच। साउथ इंडिया में अभी यही हुआ, एक महिला मोबाइल रात में अंधेरे में चलाती रहती थी, अचानक आंखों से दिखाई देना बंद कर गया। तेरा बालक हवा घर, तू बाहर जा रहा हो कितने, तेरा बालक तेरे घर में जितना भी कैश हो, जितना भी रुपया हो, सारा चुरा ले रहा है। जालंधर में एक लड़के ने अपने पापा से 50,000 रुपए चुराए पबजी के ऊपर स्पेंड करने के, और उसने चुरा के आग लगा दे तिल्ली ने, रुपये फूक देवा प्रधान तेरे दिल पे के बीतेगी प्रधान। तो नबे रह के प्रधान तो नबे रह, फोन की वजह से बालक पागल हो, पागल हो जावा प्रधान पागल। ऑनलाइन गेमिंग का असर किस हद तक हो सकता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये मेंटल बैलेंस खो दे, मैं सोच कर देख प्रधान, तेरा बालक तेरे तीनू क्या तू कौन है, आपके बाप की प्रधान पहचान है ना तेरा बालक, तेरा बालक तेरी लुगाई थी ना पहचान है, आपकी माँ थी ना पहचान है प्रधान, सोच सोच प्रधान सोच, तेरे दिल पे की बीतेगी प्रधान, के बीतेगी तेरे दिल पे प्रधान। फोन की वजह से मेरा बालका के बीमारी हो गए, नर्वस सिस्टम बिगड़ा प्रधान, रेडिएशन निकलते हैं जिसकी वजह से बच्चों का नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम मतलब कि प्रधान
छोटी छोटी बातों से लेकर के घना परेशान हो जाओगा, रोगा, नर्वस सिस्टम प्रधान नर्वस सिस्टम कुकर समझाओ, नर्वस सिस्टम प्रधान नर्वस रहवा है, छोटी सी बात के अंदर धमकांदे नूटर जाओगा, नू बेरा निकी हो गया समझा प्रधान, आप उसने फोन दे देवा खुश, फोन खोस लो तो मरण हो जाओ प्रधान, वो इतना रोगा प्रधान इतना, ठीक है इस तरह का कोई नर्वस सिस्टम समझा प्रधान वो बिगड़ जावा, मेंटल हेल्थ बिगड़ा प्रधान, मेंटल हेल्थ सोच के देख प्रधान, मेंटल हेल्थ बिगड़ गई बालक की। जम्मू में एक फिटनेस ट्रेनर ने अपना मेंटल बैलेंस, अपना मानसिक संतुलन खो दिया लगातार 10 दिन तक पबजी खेलने के बाद। तो कोई काम मैं ध्यान ही नहीं लगा पाने लग रहा, कोई काम सीखे नहीं पाने लग रहा, जो मैं निठल्ला बेवकूफ हो गया प्रधान, एक बात पर है मेरा प्रधान, फिजिकल हेल्थ भी खराब होगा बड़का के फोन की वजह से, फिजिकल हेल्थ आंख तंद हो जावे, सुनाई देने की दिक्कत प्रधान, देख फोन वो आंख अगले छेड़े लेकिन उसने सुनना कम हुआ है प्रधान, सुनाई देने में दिक्कत आ उसकी इस वजह से, देख अगर तू तेरे बालक ते इतना भी प्यार करे ना इतना भी, तो ये जो फोन नाम की चीज है ना, फोन नाम की बीमारी, इससे बचाना पड़ेगा तुमने, देख प्रधान तेरा भाई सोल्यूशन देगा, मैं कौन दूं सोल्यूशन, मैं तो देऊंगा प्रधान, देख मैं देऊंगा, मैं कौन नहीं देऊंगा मतलब कौन नहीं, मैं देऊंगा सोल्यूशन, लेकिन प्रधान जो इतना बड़ा डॉक्टर ना प्रधान, बहुत बड़ा डॉक्टर इंडिया का, इंडिया में बहुत बड़े पद पे जो डॉक्टर है प्रधान, आखा का स्पेशल डॉक्टर, ठीक है प्रधान वो देगा सोल्यूशन, ठीक है मेरी तो केवरा तू मानने ना मानने, मैं किसा इंसान हूँ मैंने जानता कौन है तू, लेकिन प्रधान उस डॉक्टर की तो मानेगा जो इतना पढ़ा लिखा इंसान है, तेरे जैसा बेवकूफ इंसान को नहीं उसकी तो मानेगा, ठीक है प्रधान, वैसे प्रधान तेरे बड़का थी सुधारण था पहला, तेरे बड़का थी फोन देना बंद करन था पहला, तेने अपने आप थी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि तेने बेरा प्रधान एक सर्वे होया है जिसमें यह बात नोटिस करी गई है कि इंडिया में लोग कितना फोन चलावे, जो एवरेज आई है ना प्रधान सारे लोगों की जो एवरेज आई है वो आई है 7 घंटे, क्योंकि एक बंदा दिन में 7 घंटे फोन चलावे। एक रिसर्च के अनुसार एक आम इंडियन का कोविड के बाद से स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे हर दिन, यानी स्क्रीन टाइम है उसका, स्क्रीन टाइम का मतलब होया कि फोन की स्क्रीन कितने टाइम ऑन रही है, 7 घंटे एक बंदे की एवरेज है यार। टीचर्स तो यही कहती है कि देखो आप जो है बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, आप खुद पढ़ाइए, और जो है ट्यूशन में भी मना कर देती है, लेकिन क्या है इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा पढ़ाई तो आजकल टैब पे होती है। देख पर ना आज के टाइम पे बालका ती फोन देना बहुत जरूरी है, मैं उन्हों को नहीं कहता कि बच्चों को फोन ना दो, देख फोन देना तो जरूरी है, चलो भाई ठीक है, ठीक है फोन देना जरूरी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा प्रधान, तुमको देना पड़ेगा बलिदान, तुमको त्याग करना पड़ेगा फोन का, पहले तुम फोन चलाना कम करो प्रधान, हम खुद आपके बालका का आगे फोन खोल कर बैठ जाओ और नू स्क्रोल कर करके बेरा निकी के देख दे रहे हो, तो हम खुद भी गेम खेलो प्रधान, बालका ने की रोकोगे, मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैं भी आधा पहले तो अपने आप ती सुधारो, बालका का गए तो हम खुद फोन यूज ना करो प्रधान, जम्मा भी यूज ना करो, बात करनी है करो, जरूरी काम है करो, फालतू में टाइम वेस्ट ना करो फोन के ऊपर, बालका का गए बालका गले खेलो, बालका ने बाहर लेके जा घुमाने खातर तू खेल। बेसिक टिप्स बताना चाहता हूँ, एक तो बाहर खेलना हम पहले भी बोल चुके हैं, बच्चों को बाहर कम से कम 1.5 से 2 घंटे समय बिताना चाहिए, फोन सिर्फ बात करने के लिए है, जो बढ़ते बच्चे हैं जिनको चश्मे का रिस्क है, जिनके पेरेंट्स को मायोपिया है, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि फोन सिर्फ बात करने के लिए यूज करें, एजुकेशन क्लासेस कोई कोर्स करना है कुछ करना है उसके लिए आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का प्रयोग करें, एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप फोन या लैपटॉप भी नहीं, आप टीवी पे देखिए, आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप टेबल चेयर पे ही करें, बेड पे लेट के पढ़ना टैब देखना फोन देखना ये सब बहुत नुकसानदायी है, जो रूम की इल्यूमिनेशन है जो उजाला है कमरे में वो अच्छा होना चाहिए,
चाहिए। अंधेरे में कम रोशनी में आप ना काम करें, उससे आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। कई बार आपको लंबे समय तक काम करना है, कई समय आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, पर हर आधे घंटे के बाद करीब 5 मिनट का आप ब्रेक लें, आंखों को रेस्ट दें, फिर वापस आके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी समय भी 2 से 3 घंटे से ज्यादा बच्चों को कंटिन्यूसली नहीं करना। महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक्स के ऊपर बैठकर दो लोग पबजी खेल रहे थे कि ट्रेन आई, उनसे टकराई और वो मारे गए। मोबाइल, इससे छोटी चीज क्या होगी, मोबाइल समझ गए ना, मतलब कैसे फंसते हैं मोबाइल में जाकर के, ये इतनी अवेयरनेस है आपके अंदर कि मोबाइल। एक पल फोन तो दूर रखना पड़ेगा तुम तेरे बालक की, जे तू तेरे बालक का बड़ा चावा है तो, जे तू तेरे भाई, जे तू तेरे बालक का दुश्मन है, जे तू उसका बुरा चावा है तो दे फोन उसने, एक क्यों दो ला के दे, कच्चे कट्टा तेरे बालक ने। ठीक है प्रणाम भाई, टाटा बाय प्रणाम।